चेतना मंच के विशेष कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार और आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा आने वाले समय में हम सबके सामने आएगा। हम बात करेंगे 5G की। 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। 5G से होने वाले नुकसान की सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले ये बताने का प्रयास करेंगे कि 5G जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तकनीक जो आ रही है, उससे दावे किए जा रहे हैं कि स्पीड बढ़ेगी, मोबाइल पर किस तरीके के फायदे होंगे, किस तरीके की व्यवस्था बदलेगी, आने वाले समय में जो स्पीड है वो कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में तमाम कंपनियां अपने अपने दावे कर रहे हैं, मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके लिए। लेकिन हम बताएंगे 5G से होने वाले नुकसान के बारे में। 5G का होना वैसे तो दुनिया के लिए वरदान से कम नहीं है, मगर सच्चाई तो सभी जानते हैं, इसके होने से न सिर्फ हम इंसानों के लिए नुकसान है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये एक बड़े खतरे के तौर पर आ रहे हैं। 5G के तमाम फायदों के बावजूद यह इसके नुकसान के बिना नहीं, जैसे टेक्नोलॉजी हमारे आराम के लिए बढ़ रही है, वैसे वैसे उससे आने वाली परेशानियां बिल्कुल नज़रअंदाज करने के लायक नहीं है। 5G से सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि एस्टेबिलिटी करने के लिए 4G से ज़्यादा टावर और संसाधनों की आवश्यकता होगी। मतलब आने वाले दिनों में इस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। 5G टेक्नोलॉजी का दूसरा नुकसान ये है कि नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा, जो नए संसाधन बनेंगे, उस पर अरबों रुपए खर्च होंगे। साथ ही इसमें बेहतर नेटवर्किंग के लिए उपयोग डिवाइसेज, डिजिटल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी खर्चीले होंगे। मतलब आने वाले दिनों में, इसको अगर सरल भाषा में समझें तो आने वाले दिनों में हमारी जेब पर एक डाका पड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि महंगा होगा। क्या आप जानते हैं कि 5G नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी नए उपकरण, आपकी भाषा में लेटेस्ट डिवाइसेस और टावरों को स्थापित करने में जो अरबों रुपए, अरबों डॉलर का खर्च आने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं डॉलर के साथ, केवल रुपयों में नहीं, डॉलर में आने वाला खर्च इसका डॉलर में होगा। और डॉलर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आज एक डॉलर की कीमत 80 रुपये है। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा, जिसे पूरा होने में दशकों लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 5G मोबाइल कब लॉन्च होगा। दरअसल सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है इसके लिए। ट्राई जो एक संस्था है जो इसको कहीं ना कहीं हैंडल करती है, उससे प्रस्ताव मांगे हैं, उससे जानकारियां मांगी हैं कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ट्राई ने इस पर तुरंत ही काम शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जल्दी इस संबंध में एक पॉलिसी बना रही है। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में 5G जैसी वायरलेस टेक्नोलॉजी पहले डेटा होस्टिंग और क्लाउड सर्विसेज के लिए रेगुलेटरी कंडीशन में बदलाव किया जाना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो अभी तक नियम हैं, हमारे जो अभी तक कायदे कानून जो बने हुए हैं इसके लिए, उसमें भी बदलाव किए जाएंगे और वो संसद में आएंगे। संसद में आकर संसद का हाल आज राजनीति में किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये प्रस्ताव आएंगे, ये पास होंगे नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अतीत के पन्नों में भी हमें झांकना होगा पीछे। एक बार 2G जब लॉन्च हुआ था तो इसको बहुत बड़े घोटाले के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी और उसको 2G को एक बड़ा घोटाला बताया था। 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का आकलन करें तो हम ये जान सकेंगे कि हर साल मोबाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जनरेशन की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे ही शुरुआत, अगर जनरेशन की बात करें तो जब 1G 1980 में जब यह व्यवस्था लागू हुई तो 1G के तौर पर इसको जाना जाता था। उसके बाद 1990 में 2G आया, उसके बाद 3G 2000 में 3G लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद 2010 में 4G लॉन्च हुआ। अब हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं। 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। डॉट ने 2022 के अंत तक भारत के 13 शहरों में इस 5G नेटवर्क की स्थापना करने की पुष्टि की है। इसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, बेंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ और गुजरात के गांधीनगर का भी नाम बिल्कुल शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार जियो, एयरटेल और यहाँ तक कि वोडाफोन ने भी 13 शहरों में अपने परीक्षण की साइटें स्थापित कर ली हैं, जिसमें 5G सेवाएं मिलने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार एयरटेल और जियो ने भारत में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए ऑपरेटर,
होने का दावा किया है, क्योंकि रूट लेवल पे कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनती है। अगर आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचाना है तो उसके लिए एक व्यवस्था, एक रूट बनाना होता है। अब हम एक लेटेस्ट बात करते हैं, मैं नोएडा में जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पिछले कई दिनों से एक अभियान चल रहा है। कुछ जो लोग जो इंटरनेट और केबल ऑपरेटर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने जो चीज़ें बताई, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनके खिलाफ़ एक अभियान इन दिनों चला हुआ है। और इसको एक ऐसे तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जब आती हैं तो कई बार वो छोटी कंपनियों को खा जाती हैं। जब छोटे पिलर नहीं होते तो स्वाभाविक तौर पर महंगाई बढ़ेगी और आने वाले दिनों में आपको 5G के लिए ज़्यादा दाम देने होंगे। अब देखना ये होगा कि इन तमाम चुनौतियों के बाद भी क्या 5G सर्विसेज लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ कर जाता हूँ, इस पर मंथन जरूर कीजिएगा, इस पर सोचिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपके जेब पर एक डाका डालने की तैयारी चल रही है। और आज भी अगर मौजूदा स्थिति में भी देखें तो शायद इस समय कॉल ड्रॉपिंग का मामला बहुत चल रहा है। आपके पास एक कॉल आती है, शायद सही तरीके से, अगर 4G सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो 5G कैसे करेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों पर भी चर्चा होगी और तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में तकनीक बिल्कुल, आज हम टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर दुनिया के कई देशों की श्रृंखला में हम बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं अपने संसाधन और अपने आम लोगों के बारे में सोचना होगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब वो किस तरीके से नियंत्रित होगी ये देखना दिलचस्प होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।